बहुत टाइम से बाकी अभी तेईस तारीख को 23 मार्च 2021 को विधायकों को पूछा गया ये प्रोग्राम, उसमें सतीश दास भी थे जो मुजफ्फरपुर विधानसभा के विधायक थे। और देखिए ये जो है ना हॉस्पिटल से भर्ती होकर के आज और ये घर जा रहे हैं लोग मरने वाले लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए गाड़ी को भी जाने दीजिएगा की जिंदाबाद चल रहा है थोड़ा सा लोगों को मिलने दिया जाए। कैमरामैन दिखाएंगे हमारे लोगों को नहीं रहता है। ये हमारे मखदुमपुर विधानसभा के विधायक सतीश कुमार दास जी हैं। और देखिए अभी मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले सर बताएंगे आपकी तबीयत कैसी है। आइए नहीं इधर की हड्डी ब्रेक है, सर में क्लॉट है, कमर में क्रेक है। और 23 मार्च को जो ऐतिहासिक दिन राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के शहादत दिवस थी और लोहिया जी की जयंती थी, ऐसे मौके पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने जो बिहार पुलिस सशक्त पुलिस विधेयक जो लेकर के आए जो पूरी तरीका से अमानवीय है, पूरी तरीका से तालिबानी है, पूरी तरीका से लोगों के निजता का अधिकार का हनन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 31 ये तमाम चीज़ का वायलेशन है। ये ऐसे बिल लेकर के आए हैं जिसमें बगैर FIR के किसी को गिरफ्तार पुलिस कर सकती है, बगैर सर्च वारंट के उसके घर की तलाशी ली जा सकती है और बगैर कोर्ट के रिमांड के उसको रिमांड पर लेकर के पुलिस टॉर्चर में यदि कोई व्यक्ति मर जाता 7 दिन के अंदर तो उसका कहीं कंप्लेन भी दर्ज नहीं होगा। इस बिल का हम लोग विरोध कर रहे थे, सदन में मार्शल लगा करके बिल को पेश किया गया। उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के तमाम साथी हम लोगों ने तय किया कि स्पीकर को हम लोग बिल रोकने के लिए जो लोकतांत्रिक तरीके से सदन में आज तक विरोध होता रहा वो विरोध का रास्ता अख्तियार करें। हम लोग स्पीकर के चैम्बर को घेर करके हम लोग धरना पर बैठे थे, नारेबाजी कर रहे थे और हमारी आवाज़ बुलंद है, हम नारा कस के लगा रहे थे और इसी वजह से मुझे टारगेट किया गया और सदन में लगातार नीतीश जी को घेरने का काम कर रहे थे जिस वजह से टारगेट करके पटना का DM मुझे खींचते हुए अपने निजी बाउंसरों के हवाले किया और 20 से 22 लोग से ज़्यादा निजी बाउंसर लात गुस्से फैट बूट से मॉब लिंचिंग हमारा सदन के अंदर में स्पीकर महोदय के आसन के सामने में किया गया। और उसके बाद आप लोगों ने जो सीन देखा होगा कि बेहोशी की हालत में मुझे बाहर जी। सबसे पहले ये बताएंगे सर, वहाँ तो पुलिस को जाने का अलाउ नहीं है, फिर पुलिस मैंने कैसे जा पाई वहाँ? ये पुलिस से ये पूरी तरीका से प्लान था, प्लान वे में था कि महागठबंधन के जो नेता जो मुखर होकर के विरोध करते हैं उनको जान मारना, इसी वजह से सारे नियम कानून को ताक पे रख करके पुलिस को बुलाया गया, सशक्त पुलिस को बुलाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया, जबकि हम लोग का भी सुरक्षा गार्ड व्हाइट लाइन से अंदर हथियार लेकर के नहीं जा सकता।
तो इस तरीके का नियम के विरुद्ध एक काम नीतीश कुमार जी ने किया है और पूरी दुनिया में इस तरीके का घटना की चर्चा कहीं भी नहीं है जिस तरीके की घटना 23 मार्च को बिहार विधानसभा में हुआ है। और नीतीश कुमार जी यदि सोचते होंगे कि जेल का भय दिखा करके लाठी का भय दिखा करके उनको मार करके और लोगों को भयभीत कर देंगे तो हम उनको साफ साफ कहना चाहते हैं कि चाहे आप लाठी चलाइए अब हम रुकेंगे ना। और जो लड़ाई है संविधान बचाने की, जो बाबा साहब के प्रति जो कमिटमेंट है, जो भगत सिंह के प्रति जो कमिटमेंट है, जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो एक लड़ाई छेड़ रखी है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, अभी जब लालू यादव ने किसी के सामने जब तक घुटना नहीं टेके हैं तो हम लोग उनके मानने वाले भी लोग अपने जान की बाजी लगा देंगे लेकिन संविधान के एक एक प्रति की रक्षा करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी तो हड्डी टूटे हैं मेरे, माथा फटे हैं, कमर से ब्रेक है, इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। और अब ये जो तूफान उठा है अब नीतीश कुमार इस भवंडर में उड़िया जाए। हम समझ सकते हैं सर आपकी तबीयत काफी खराब है, लेकिन अंतिम सवाल ये करना चाहेंगे कि इतना होने के बाद अब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? आप लोगों ने देखा होगा कि इसी देश में नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह सीएनआरसी एनपीआर लेकर के आते हैं, उसको भी शाहीन बाग से शांति बाग होते हुए लाखों धरना स्थल बनता है जिसको जवाब मिलता है सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता है। इसी देश में इसी तरीके से लोकसभा में बत्ती गुल करके और बिल लाया जाता है, काला कानून किसानों के लिए पास किया जाता है, तो किसान भी दिल्ली बॉर्डर को घेर के बैठे हैं। तो उसी तरीके से भी ये पुलिस सशक्त कानून लाया गया है और इसको भी हम लोग बिहार के जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे। और कल की बंदी आप लोगों ने देखा है कि आम जनमानस में भारी आक्रोश है और जन जन तक पहुंचाएंगे और तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक ये कानून वापस न हो, नीतीश कुमार बर्खास्त न हो और जो पटना का DMSP जो तमाम लोग जो सचमुच में जो सुशासन इन लोग कहते हैं, ये सुशासन जूते वाले सू का जो शासन जो स्थापित करने की कोशिश की है, इसके खिलाफ जन आंदोलन होगा और जन आंदोलन के सामने कोई टिकने नहीं जा रहे हैं। जनता का भारी समर्थन और जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और हमारे नेता ने तो कहा है ये रहा शाब्दिक अर्थ सुशासन का, शाब्दिक अर्थ सु मतलब जूता और शासन का मतलब शासन, यानी जूते से शासन किया जा रहा है। हमारे ये माननीय विधायक बगदुमपुर विधानसभा विपक्षी दल से हैं, RJD विधायक हैं सतीश कुमार दास जी, इनकी हालत जो है सचमुच में गंभीर है, अभी भी जो है ना ट्रीटमेंट में है। और सर तबीयत मतलब आगे मतलब दिखाना है या फिर ये बेहतर इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं, मेरे घर में बुजुर्ग माता पिताजी हैं और भी परिजन लोग हैं चिंतित थे, क्षेत्र के लोग चिंतित थे, तो इसी रास्ते से हम गया जा रहे हैं और गया से हम बाई फ्लाइट दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ अपनी पूरी ट्रीटमेंट कराएंगे। और आम जनमानस से यही गुजारिश है कि आप लोग घबराइए नहीं, हम उनके लिए एक ही बात कहेंगे कि उठा है तूफान जमाना बदल रहा, अब जागा है नौजवान जमाना बदल रहा, अब इन झोपड़ पट्टी से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले, अब थर 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 काँप रहे हैं ये ऊंचे ऊंचे महल वाले। हम उन लोग से यही कहना चाहेंगे कि तपाते लौह को जब पीठ पे तलवार बनता है, रगड़ते पत्थरों पे तब कहीं जा धार बनता है, और तीसना की लौ में जो वेदना उबाल लेती है, गगन को भेदने वाला वही ललकार बनता है। तो वो ललकार तेजस्वी यादव जी के रूप में हम सब के रूप में बिहार में बन गए हैं। अब नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी जी का जो मंसूबा है बिहार को तालिबान बनाने का, गुजरात बनाने का, UP बनाने का, वो मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। चलिए यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है ना हुजूम लगे हुए हैं, और इतना होने के बाद भी ये जो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, देखिए थोड़ा दिखाएंगे चाहने वाले लोग हैं, बहुत सारे जगह में
जो सतीश दास हैं जिनको काफी जो है मार्केट में काफी जो है तबियत खराब होने के बाद इतने बोल्ड आवाज में बात कर रहे हैं, लोग मनोबल समझ रहे हैं, काला कानून आया है, इसी के विरोध में लोग जो है ना धरना प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे। थोड़ा आप लोग बताएं, जानते हैं कभी जो 23 तारीख को जो घटना हुआ कुछ पता है आप लोग को क्यों इस तरह का घटना हुआ? जानकारी है आप लोग को? थोड़ा बताएंगे सर, ये तो काला कानून बोला जा रहा है, ये जो है क्या जानकारी है बताएंगे? कोई जानकारी है वो सभी इसके साथ में जो घटना हुई, मारपीट हुई, किस कारण हुई, जानकारी है बताएं? हाँ, वो तो जो बताया गया है नीतीश कुमार द्वारा वो काला कानून, उसमें आम जनता को बिना FIR के, बिना कोई केस के पुलिस जो है सिटी अरेस्ट कर सकता है। उसी के खिलाफ हमारे जितने भी RJD के कार्यकर्ता थे उसमें मुख्य रूप से मधुपुर विधायक सतीश कुमार जो दास थे, उनको जो है साजिश के तहत, दलित का बेटा है, दलित का विधायक है, साजिश के तहत नीतीश कुमार द्वारा सादा करके इनको टारगेट कर करके सतीश कुमार दास को पीटा गया विधानसभा के अंदर में, और इनको पूरी तरह से इतना पीटा इसका एक होश में नहीं थे और गिर गए। गिरने के बाद भी पुलिस ने इनको हाथ को कुचला, इस तरह से बेहोश बेदहास देखा गया कि चित्ते पड़ा हुआ है कि हमेशा वो झोला रखते हैं, झोला भी उनको बिगाड़ गया है, पुलिस ने झोला को भी छीनने से बाज नहीं आए। उन्हीं का विरोध में RJD के विधायक और विपक्ष के जो नेता थे उसमें मुख्य थे हमारे सतीश कुमार दास, उनको टारगेट करके विधानसभा में नीतीश कुमार द्वारा पिटाया गया। मिली सूत्रों के अनुसार जानकारी हो रही है कि सतीश दास के साथ जो कुछ भी परिवर्तनपूर्ण रवैया अपनाया गया, ये जो है एक साजिश के तहत हुई है। इसी के साथ